फैटी लीवर, ये भी आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको योग के 5 बहुत ही शक्तिशाली योगासन के बारे में बताने वाला हूं। ये योगासन यदि आप नियमित रूप से करेंगे और एज इट इज करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं, जितनी देर आसन को हम होल्ड कर रहे हैं इतनी देर आपको आसन को होल्ड करना है, और जिस आसन के बाद जो आसन हम कर रहे हैं वो आसन आपको करना है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप अपनी फैटी लीवर की समस्या पे कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। शुरू करेंगे अपनी वीडियो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ है मानसी। मानसी आइए, मानसी आपको आसन करके दिखाएंगी और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये आसन आपकी मदद करते हैं फैटी लीवर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है मानसी, नीचे बैठ जाइए। तो देखिए, सबसे पहला जो अभ्यास अब हम शुरू करने वाले हैं, इस साइड फेस कर लीजिए मानसी। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों साइड, बहुत ज्यादा नहीं खोलना, थोड़ा कम खोलिए। अब यहां से आपको क्या करना है, देखो मैं हमेशा बताता हूं कि जब कोई भी आप अभ्यास कर रहे हो अपनी बॉडी को समझ के करिए। ये देखिए लीवर आपके शरीर में कहां पर है, लीवर आपके शरीर में आपके यहां पे राइट साइड होता है, पेट के राइट साइड। अब उस हिस्से से आपको फैट रिमूव करना है जो एक्सेस फैट जमा हो गया। तो उसके लिए सबसे पहला अभ्यास ट्विस्टिंग करेंगे बैठ के, अपने इस तरह से पैर खोल के बैठे, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करें और पीछे वाले हाथ को देखिए। ये पहला अभ्यास है, सांस छोड़ के दूसरी साइड जाइए इस तरह से। ये इसको चेंज करते रहिए जल्दी जल्दी, ये इस तरह से आपको 2 मिनट करना है। 2 मिनट किया, उसके बाद कुछ समय रेस्ट किया, सीधे बैठ जाइए मानसी, डीप ब्रीदिंग करते रहें। फिर से 2 मिनट किया, चलो फिर से 2 मिनट करो, ये इस तरह से। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको करने हैं, 5 अभ्यास बता रहे हैं। इस अभ्यास को आपको 2-2 मिनट करके 3 बार रिपीट करना है सब, तो मतलब ये टोटल 6 मिनट का अभ्यास हो जाएगा। इस अभ्यास में आप देख रहे हैं आपके इस हिस्से पे ट्विस्ट का इंपैक्ट आ रहा है, तो ट्विस्ट आ रहा है तो जो भी एक्सेस फैट जमा होता है आपके लीवर के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो नंबर 1 ये 3 बार आपको 2-2 मिनट करके इस अभ्यास को करना है। नंबर 2 दोनों पैरों को मिला लीजिए मानसी, इस साइड पैर खोलिए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ के दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए, जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, पश्चिमोत्थान आसन। इस आसन में आपको कम से कम 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। चलिए मैं होल्ड करवा देता हूं, साथ साथ करिए, होल्ड देयर फॉर 10, 9, 8, जितना नीचे जा सकते हैं, 7, जब भी सांस छोड़े पेट अंदर करके थोड़ा और नीचे जाएं, 6, जिनका सर आगे नहीं लग रहा है नीचे कोई बात नहीं है, जितना जा पा रहे उतना जाइए, 5, तो इसमें भी देखिए पेट के हिस्से पे दबाव आ रहा है आपके, है ना। तो जिस हिस्से में प्रॉब्लम है उस हिस्से में योग के आसन क्या करते हैं, दबाव लाते हैं, खिंचाव लाते हैं। जब दबाव लाएंगे खिंचाव लाएंगे वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां पर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे हील होने लगती है। 4, 3, 2, 1, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब इस आसन के बाद इसका रिवर्स आसन आप जरूर करें। रिवर्स आसन होता है पूर्वोत्थान आसन, दोनों हाथ पीछे रखिए, टोस पॉइंटेड आउट, यहीं से लिफ्ट योर बॉडी, आप सांस भरते हुए इसमें कम से कम 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। अब काफी लोग इस तरह से ऊपर नहीं जा पाते हैं तो वो क्या करें, नीचे जाइए, पैरों को बेंड कर लीजिए और ऊपर आ जाइए। इसको आप कम से कम 10 सेकंड होल्ड करिए और इसको आप डायनेमिक भी कर सकते हैं। कैसे, सांस छोड़ के नीचे गए, सांस भर के ऊपर आए, 1 इस तरह, 2 इस तरह से नीचे गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नीचे चले जाइए। तो ये हमने आपको 2 अभ्यास बताए, सबसे पहले ट्विस्ट, दूसरा पश्चिमोत्थान आसन, तीसरा ये इसका रिवर्स पोज हमने बता दिया आपको। तो इस रिवर्स आसन को आप कर लीजिए। तो अभी टेक्निकली 2 ही आसन हमने किए हैं, अब तीसरा आसन नौकासन, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा आपके फैटी लीवर की समस्या में। चलिए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब इस आसन को कम से कम 30 सेकंड आपको होल्ड करना है, 30 सेकंड होल्ड करना है, इसको 3 बार कम से कम रिपीट करना है। तो एक बार तो हमारे साथ होल्ड कर लीजिए आप, 10, 9, 8, रुकिए थोड़ी देर, शाबाश, होल्ड करें पूरी ताकत के साथ, तो देखेंगे इसी हिस्से पे आपके बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, 7, 6,
फाइव फोर थ्री टू एंड वन, रिलैक्स, यहीं से पीछे लेट जाइए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। तो ये हमने नौकासन एक बार किया है, आपको तीन बार रिपीट करना है, ठीक है? तो हमारे तीन आसन हो चुके हैं। उसके बाद नंबर चार पे हमें कौन सा आसन करना है? नंबर चार पे हमें करना है अर्ध पवन मुक्त आसन। राइट लेग को बेंड करिए और कस के पकड़ लीजिए, चिन को नीचे लगाइए, नीचे का पैर थोड़ा सा हवा में उठा लीजिए, यहां पे रुकिए, फाइव फोर थ्री टू वन, रिलीज। आप दूसरा पैर, फाइव फोर थ्री टू वन, अब इसको डायनेमिक करिए, चेंज करते रहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, रिलैक्स, नीचे चले जाइए। अब देखिए, जब ये हम अर्ध पवन मुक्त आसन कर रहे थे तो फेस ऊपर उठा रहे थे, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो फेस ऊपर नहीं उठाएंगे, वो नॉर्मल पैर को दबाते रहेंगे इस तरह से, है ना? तो ये चार अभ्यास हो गए। इस अभ्यास को भी आपको तीन बार रिपीट करना है, जैसे एक बार कर लिया फिर 10 सेकंड रेस्ट किया, फिर दूसरी बार फिर 10 सेकंड रेस्ट किया, फिर तीसरी बार, तो इस तरह से करना है। और चौथा अभ्यास आपको क्या करना है, चौथा अभ्यास है आप सॉरी पांचवा अभ्यास, पांचवा अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों घुटनों को कस के पकड़ लीजिए और अपने चिन को नीचे लगा के 30 सेकंड रुक जाएंगे, पेट के अंदर दबा के रखिए जितना दबा सकते हैं, थाइस पेट के अंदर जानी चाहिए जितना अंदर जा सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, नीचे आ जाइए, रिलैक्स। तो ये आपके पांच योगासन हमने बता दिए। छठा योगासन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो रिवर्स है, जो स्पाइन पे थोड़ा सा खिंचाव या दबाव आया होगा उसको रिलीज करने के लिए, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखो, राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ के नीचे गिरा दीजिए, चेहरा दूसरी साइड, फाइव फोर थ्री टू वन, कम बैक चेंज दूसरी साइड, फाइव फोर थ्री टू वन, कम बैक, वापस आ जाइए और अब यहीं से ऊपर बैठ जाइए आराम से। तो ये पांच आसन है, इसमें हमने दो आसन आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए, तो इन टोटल आपको हमने सात आसन ये बता दिए हैं। रोजाना हर आसन को तीन तीन बार रिपीट करिए और एक महीने आप इन अभ्यासों को करके देखिए, आपको चमत्कारिक रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इन अभ्यास को करने से। बहुत लोगों को लाभ मिला है, आपको भी जरूर मिलेंगे, पूरे विश्वास के साथ इन अभ्यासों को करिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मैदा किससे बनी हुई चीजें नहीं खानी है। तो अगर आपको अपनी समस्या को ठीक करना है तो आपको साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। कैसा लगा ये अभ्यास हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि फैटी लीवर की एक ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से पूरा दिन इंसान थका रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, पूरे शरीर में थकान रहती है और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये एक अच्छा अभ्यास है, स्टेप बाय स्टेप अभ्यास है, सिस्टमैटिक अभ्यास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर उनकी मदद करिए। जिन लोगों को हमारे साथ अभ्यास करके लाभ होता है वो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हैं इन योग अभ्यास को करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।